स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग व्हीकल इंश्योरेंस। मतलब एक प्रॉब्लम है जो हमारे पास, जिसमें इस तरह से बताया गया कि द प्राइस ऑफ ए कार इज ₹12,50,000, ठीक, वेयर एज द रेट फॉर प्रीमियम इज ₹4.50% फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड एज इंश्योरेंस वाइल डेप्रिसिएशन इज 10% ईयरली। मतलब कि एक पर्सन है जो ये चाहते हैं कि उनकी जो कार है जिसकी के मालियत, या ये कह सकते हैं कि जिसकी जो प्राइस है, जब या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर वो कार जो है फ़र्ज करें 25 लाख की है तो उन्होंने उसका कुछ पोर्शन, मतलब सा उसकी प्राइस का कुछ पोर्शन सा 12,50,000 रुपये की इंश्योरेंस कराई है। अब ये कि ये इसका क्या पर्पज़ होता है जी, इसमें ये इनका पर्पज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या कोई डैमेज होता है, तो वो जो है कंपनी जिससे कि ये इंश्योर करवा रहे हैं अपनी इस कार को, वो ये डैमेज जो है वो उसका पूरा करेंगे। और अगर ये पूरी कार की ही कीमत के हिसाब से जो है ये अगर रख देते हैं, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी ले लेते हैं, तो फिर इससे ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है तो वो रिप्लेस भी हो जाएगी, मतलब इनको वो गाड़ी नई रिप्लेस करके दे देगी कंपनी, ठीक है। तो अब इसमें इस तरह से है कि जो इसकी पॉलिसी की एक, मतलब हम ये कह सकते हैं जो पॉलिसी के रूल्स हैं वो ये होते हैं कि आप जब इंश्योर करवा देते हो अपनी गाड़ी को, आप 5 साल के लिए फ़र्ज़ करें ये करा रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें 5 साल में कोई डैमेज नहीं होता, ठीक है, ये कोई क्लेम जो है वो नहीं करते उनसे, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि जो है इनकी जो ये पैसे जो देंगे, ठीक है, जो एक प्रीमियम के तौर पर ये पर ईयर जमा कराते रहेंगे, वो उसके कुछ परसेंट जो है वो, हर कंपनी के अपने एक असूल है, वो कुछ पैसे जो है, कुछ रुपए जो है उनके परसेंटेज के हवाले से वो वापस कर देंगे और बकाया जो है वो वापस नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, चूँकि कंपनी उसके अगेंस्ट जो है वो आपको एक फैसिलिटी दे रही है कि आपकी गाड़ी का कोई भी अगर डैमेज होता है तो वो खुद उसको बर्दाश्त करेगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये अगर 10% ईयरली इसकी डेप्रिसिएशन हो तो जारी बात है कि जो कार की प्राइस है, मतलब जो ईयरली है वो कम होती जा रही है, और 10% अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है हर साल, मतलब इसका 10% पहले मैं निकालूंगा, ठीक है, तो 1 साल गुजरने के बाद इसकी प्राइस जो है वो 10% जो इसका बनेगा उसमें माइनस कर देंगे, वो रह जाएगी। फिर जो उस वक्त की होगी प्राइस अगले साल की, उसका 10% लेंगे, तो इस तरह से आगे हम चलते रहेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो हमारे पास हमारी जो कार है, ठीक है, इसकी जो अगर हम फेस वैल्यू को, या यूं कर लें वैल्यू ऑफ द कार लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए कार, ये हमारे पास कितनी है, 12 लाख रुपीज़ में है, ठीक है। ये भी चलें, करेंसी भी हम लिख लेते हैं क्योंकि डॉलर्स में भी हो सकता है और कोई और अगर करेंसी के हवाले से बात करें तो सूल यही है कि हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। और इसमें जो हमारे पास जो इसकी डेप्रिसिएशन है, ठीक है, अगर हम उसको देख लें तो वो हमारे पास कितनी बनती है, चलें उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहले रेट भी शो करना होता है जी, रेट, चलें ये बातें मैंने आपको बताई तो हैं लेकिन चलें इनको एक दफ़ा दोबारा हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 4.5%, ठीक है, जो कि इस कंपनी ने जो है वो बताया है कि हम इस हिसाब से जो है वो प्रीमियम जो है इसकी डिडक्शन करेंगे 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो हम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट प्रीमियम अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रीमियम जो है वो हमारे पास क्या बनता है, वो बन जाता है जी 4.5%, परसेंट कहते हैं आउट ऑफ 100 को, परसेंट ऑफ जो प्राइस ऑफ कार है, यानी जितने की आप वो पॉलिसी करा रहे हैं, ठीक है, 12,50,000 की आप पॉलिसी करा रहे हैं लेकिन वो प्राइस ऑफ कार की वजह से है। तो ये बन जाती है, रुपयों में ही बनेगी, रुपीज़ ये बनती है जी 56,250, ठीक है। अब ये इसका मतलब है कि 1 साल गुजरने के बाद, सॉरी ये मतलब फर्स्ट प्रीमियम है, और अब इसमें जो 1 साल गुजरने के बाद जो डिप्रिसिएशन होगी अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर लें साथ ही, ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम तो हम ये दे देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, तो डिप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी 10% कहा था मैंने, 10% ऑफ जो कार की प्राइस है 12,50,000, तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो ये 20 इन 20 से कैंसिल हो, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन रुपयों में बनती है जी 1,25,000, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब इतनी बनती है 1,25,000। इसका मतलब कि जो डेप्रिसिएशन प्राइस बनेगी एक साल गुजरने के बाद, ठीक है, डेप्रिसिएशन प्राइस जो होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी, ये इक्वल टू आ जाएगी जो ओरिजिनल प्राइस थी 12,50,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,25,000, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी जी तकरीबन बन जाती है 11,25,000, 11,25,000 रुपये। इसका मतलब कि जब हम नेक्स्ट ईयर प्रीमियम देने जाएंगे तो इसका जो 4.5% होगा वो हम देंगे, ठीक है। मतलब इसमें हम कोई पॉलिसी की जो फ़ी है वो नहीं दे रहे, ठीक है, ये बात याद रहे, क्योंकि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें हम पॉलिसी की जो फ़ी है वो भी दे रहे होते हैं, जो कि मतलब 0.25% मैंने बताई थी आपको। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो प्राइस हमसे नहीं डिमांड करते, चूँकि इसमें ये पैसे ऑलरेडी वो एक तरह से अपने पास उनके पास हम एक ये जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं, ये हम उसकी एक पैसे तो उनको दे ही रहे हैं, ये हमें रिटर्न नहीं होते। अगर फर्ज करें कोई डैमेज नहीं होता, 12,50,000 तक जो है वो कंपनी बर्दाश्त कर सकती है, मतलब जो डैमेज है, ठीक है, चूँकि हम पॉलिसी इतने की करा रहे हैं। और अगर फर्ज करें कोई डैमेज नहीं होता तो फिर ये पैसे इनमें से कुछ परसेंटेज वापस होगी और बाकी नहीं होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से ये सारे पैसे एक तरह से उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो ये तकरीबन बनती है जी रुपयों में ₹50,605, ठीक है, सेकंड प्रीमियम जो पे होगा। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन बनती है, डेप्रिसिएशन जो बनती है इसकी वो बन जाती है जी, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, तो ये बनती है 10% ऑफ, देखें जो फर्स्ट मतलब ईयर गुजरने के बाद जो रह गई थी वैल्यू कार की प्राइस वो रह गई थी 11,25,000, तो इसका 10% ले लेंगे हम, तो ये बन जाता है तकरीबन 1,12,500, ठीक है, 1,12,500। तो ये अब इसकी प्राइस रह गई है, मतलब ये इतनी इसकी प्राइस घटेगी, और अब जो इसकी प्राइस रह जाएगी डेप्रिशिएटेड प्राइस जो होगी इसकी, वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वो हमारे पास आ जाएगी 11,25,000 में से हम माइनस कर देंगे कितने जी, 1,12,500। तो ये हमारे पास रह जाती है 10,12,500, ठीक है। अब देखें इसी तरीके से आपको एक बात मैंने समझा दी कि आप किस तरह से सेकंड प्रीमियम, अब जब थर्ड प्रीमियम निकालेंगे तो इसके 4.5% जो है वो हमारे पास क्या आएगी, थर्ड प्रीमियम आएगा इसका, ठीक है, जो कि मैं अब आपको सिर्फ इसकी जो आंसर आते हैं, नंबर आते हैं, वो मैं अब लिख के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें अब पता चल गया कि हम किस तरह से प्रीमियम की अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रीमियम जो आप निकालेंगे ये बनता है 45,562.5, मतलब कुछ पैसों में भी आ रही है बात, ठीक है, ये रुपयों में आ गई। और इसी तरह से जो इसकी डेप्रिशिएटेड प्राइस बनेगी, फिर इसी तरह से आप इसका 10,12,000 का 10% लेकर फिर इसमें से माइनस कर लेंगे, तो डेप्रिशिएटेड जो प्राइस आएगी ये हमारे पास आ जाती है तकरीबन 9,11,000, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9,11,250, ठीक है। फिर इसी तरीके से फोर्थ प्रीमियम जब हम लेंगे, मतलब प्रीमियम निकालेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ जाती है 41 रुपीज़ में 41,006 रुपीज़ और 0.25, मतलब पैसों में अगर हम देखें तो 0.25 पैसा। और जो फिफ्थ प्रीमियम होगा, अब इस साल जो फिफ्थ प्रीमियम है वो मतलब इसके बाद जो फिफ्थ प्रीमियम बनेगा वो हम नहीं पे करेंगे, इसलिए कि 5 ईयर के जो टेन्योर के लिए ये लिया गया था, ये पॉलिसी ली गई थी, ठीक है। तो फिफ्थ प्रीमियम जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उस वक्त मुकम्मल हो गया हमारा वो पूरा एक टेन्योर। तो इस तरह से ये रुपीज़ ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने जो टोटल प्रीमियम पे किया है, ठीक है, इस फैसिलिटी को लेने के लिए, ठीक है, जो कि 12,50,000 की जो हमारी ये कार थी उसकी प्राइस के हवाले से हमने इंश्योर करवाया था उसे, ये अमाउंट बनती है तकरीबन 1,93,423 रुपये और 75 पैसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।